Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So class 9 chemistry में हम chapter 3 start करेंगे. Chapter 3 atomic structure, एटमी साख्त, कि एटम का साख्त कैसा होता है. तो एटम के बारे में chapter 0 में भी हमने थोड़ी सी बातों को सुन रखा है, पढ़ रखा है. हमने पढ़ा था मैटर, मादा. मैटर हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसको हम कहते हैं मैटर या मादा. अब मादा किस चीज़ से बनता है, मैटर किस चीज़ से बनता है, तो उसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे. सबसे पहला कॉन्सेप्ट था फोर बेसिक एलिमेंट का, चैप्टर वन में पढ़ा था ग्रीक फिलोसोफर का कॉन्सेप्ट, जो ये कहते हैं तो दुनिया की तमाम चीज़ें आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी है. फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ से मिलकर बनी है. ये फोर बेसिक एलिमेंट थ्योरी थी. जबकि फिर इस थ्योरी को ख़त्म किया गया तो एक ग्रीक फिलोसोफर था एक और, डेमोक्रेटोस. डेमोक्रेटोस जो साइंटिस्ट आया था, तो डेमोक्रेटोस ने एक और एक कॉन्सेप्ट पेश किया था. वो भी ग्रीक फिलोसोफर था, आज से 2000 साल पहले उसने कॉन्सेप्ट पेश किया और उसने बताया दुनिया की तमाम चीज़ें एटोमोस से मिलकर बनी हैं. एटोमोस एक ग्रीक वर्ड है और एटोमोस के मतलब होते हैं इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके. तो 2000 साल पहले डेमोक्रेटोस ने एटोमोस का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था. एटोमोस इनडिविजिबल, जो तकसीम ना किया जा सके. मादा छोटे से छोटा ज़र्रा एटोमोस से मिलकर बनता है. इसी एटोमोस को एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड में रहने वाले केमिस्ट थे, कीमियादान थे, जिनका नाम था जॉन डेल्टन. तो जॉन डेल्टन ने सन 1810 में 1810 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी एटोमोस को कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा किया और एटोमोस के आखिर का ओएस हटा दिया और सिर्फ रह गया एटम. एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया और उन्होंने पूरी एटॉमिक थ्योरी पेश की अपनी, जिसको हम कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये चार पॉइंट्स पर मुश्तमिल है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज कम्पोज ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मादा बना होता है छोटे से छोटे जर्रे से, जिसको तकसीम ना किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एटम. टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा या बहुत छोटा. इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम, जिसको और तकसीम ना किया जा सके, जिसको और छोटा ना किया जा सके. तो जॉन डेल्टन ने कहा था कि मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम उसने रखा था एटम. ठीक है, एटम इनडिविजिबल होता है. इनडिविजिबल मतलब उसको और ज़्यादा छोटे पार्ट में तकसीम नहीं कर सकते. ठीक है, उसने ये बात की. उसने कहा एटम एक बिलियर्ड बॉल, उसने एक एटॉमिक मॉडल भी पेश किया एटम का. कि उसने कहा एटम इस तरह से, जैसे कि ना जैसे मैंने ब्लैक कलर करके ब्लैक जो है वो सर्किल बना के इस पर जो है वो कलर कर दिया. तो इस उसने बोला था कि एटम ऐसा ही होता है, ब्लैक एक बॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, बिलियर्ड बॉल. जैसे स्नूकर का गेंद होता है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और बिल्कुल स्नूकर के गेंद की तरह, बिलियर्ड के स्नूकर के एक बॉल की तरह एटम होता है. तो उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि एटम इनडिविजिबल है, एटम के अंदर और छोटे और कोई ज़र्रे नहीं है, एटम को और तकसीम नहीं किया जा सकता. ये जॉन डेल्टन का कॉन्सेप्ट था, जो इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड में पैदा होने वाले कीमियादान थे. सेकंड कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि गोल्ड, गोल्ड भी एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 में से Au जिसका सिंबल होता है. गोल्ड की बात की जाती है तो गोल्ड के जितने भी एटम होते हैं सब एक जैसे होते हैं. दुनिया में गोल्ड के सारे एटम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है और एलिमेंट एक ही तरह के एटम से एक ही टाइप ऑफ एटम में बनता है. तो एलिमेंट की डेफिनेशन भी होती है ना, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट. जैसे लोहा, लोहा जो होता है पूरा Fe आयरन के एटम से मिलकर बनता है. इस तरह कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के एटम्स होते हैं, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होते हैं. तो एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम होते हैं वो सब के सब एक जैसे होंगे, साइज के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से भी, हर तरह से. ठीक है, तो इसने एलिमेंट के डेफिनेशन बताया सेकंड पॉइंट में. थर्ड में बताया कि एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड. जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है. कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है. तो जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस. थर्ड उसने पॉइंट बोल दिया. उसके बाद फोर्थ पॉइंट बताया कि केमिकल रिएक्शन इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड. कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, बेतरतीब कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं बस, और एटम्स के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती.
बिल्कुल सेम इसका, जैसे कि अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ले लो तो वो रिएक्शन जो कल आपने लिखा लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में, वो मैं लिखना चाहता हूँ एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो दो लिम्स थे ना, लिम ए लिम बी, एक में उसने डाला था क्या ए जी एन ओ थ्री और सेकंड में उसने डाला था एच सी एल और बना था ए जी सी एल के वाइट प्रिसिपिटेट और साथ में एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सिल्वर था यहाँ पे भी सिल्वर है, नाइट्रोजन था यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन था यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन था यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन था यहाँ पे भी क्लोरीन है। इसका क्या मतलब हुआ? इस रिएक्शन में एटम्स चेंज नहीं हुए हैं, एटम्स ने अपने पार्टनर्स तब्दील कर लिए हैं, अरेंजमेंट आगे पीछे हो गए ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई उसके अंदर जाकर। तो यही कहलाता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एटम्स अरेंजमेंट उसके आगे पीछे हो जाती है, एटम के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, एटम वही रहते हैं, बस अरेंजमेंट आगे पीछे कर लेते हैं। बस समझ में आ गई? चार, तो देयर आर द फोर पॉइंट्स ऑफ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। पहला कि एटम सब छोटे से छोटे जर्रे से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो सॉरी मैटर छोटे से छोटे जर्रे से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। तीसरा, एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। चौथा, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जस्ट रीअरेंजमेंट हो जाती है एटम्स की और एटम्स के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। दीज आर द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एक बात गलत थी। गलत बात क्या थी? वो ये कि जब उसने बोला था एटम को इनडिविजिबल, उस दौर में इतनी रिसर्चेस नहीं थी तो उसके लिहाज से एटम इनडिविजिबल था, एटम के अंदर और छोटा और कोई जर्रा नहीं है। लेकिन उसकी ये बात गलत थी, आगे जाकर एटम के अंदर भी छोटे छोटे और पार्टिकल डिस्कवर हो गए। एक छोटा पार्टिकल तो था ही एटम, उसके अंदर और पार्टिकल डिस्कवर हुए जो आप सब जानते हैं, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी है। कौन 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 से हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, न्यूट्रल होता है ये। उसमें से आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, एटम के बीच में जो गुठली होती है उसके अंदर मौजूद होता है। अब एक एक करके इनको डिस्कवर किया, हमें कैसे पता लगा? एटम तो खुद बहुत छोटा है, एटम तो खुद एक बहुत छोटा जर्रा है। एक सुई के नोक के ऊपर 40 करोड़ एटम आकर समा सकते हैं। जब एक सुई के नोक के ऊपर 40 करोड़ एटम आ सकते हैं तो एटम इसका मतलब बहुत छोटा जर्रा है। तो फिर हमें कैसे पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है? तो एक जर्रा उठाया मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एटम उठा के आप साइड कर लो। अगर चलो मान लिया कि एटम उठा के साइड कर भी लिया तो कैसे उसके अंदर फर्दर और पार्टिकल आप देखोगे? नामुमकिन है कि आम आंख से आप नहीं देख सकते हो। तो ऐसे डिस्कवरी नहीं होगी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कि भाई साइंटिस्ट साहब थे जो बहुत तेज़ उनकी नज़र थी, तेज़ उनकी आँख थी, तेज़ रोशनी आई हुई थी, फुल वोल्टेज की रोशनी आ रही थी, तो उन्होंने एक एटम को गौर से जब देखा करीब से तो उनको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं दिखाई देता, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास है, सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एटम के अंदर, और वो कैसे डिस्कवर हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हुआ, इसलिए हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो याद रखो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसने? इसको किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था सर जे जे थॉमसन, जीन जेक्वस थॉमसन पूरा नाम है। जे जे मतलब जुनेद जमशेद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जे जे से मुराद यहाँ पर जीन जेक्वस। आपको सिर्फ जे जे याद रखना है, नहीं आप कंप्लीट नाम याद रखो। तो सर जे जे थॉमसन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये कौन थे भाई? ये थे एक ब्रिटिश फिजिशिस्ट, ये बरतानवी माहिर तबियात थे, ब्रिटिश फिजिशिस्ट थे। फिजिशिस्ट तो बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स का जो माहिर होता है उसको फिजिशिस्ट कहते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो उसमें फिजिशिस्ट का क्या काम है, वो तो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम इसको। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर जे जे थॉमसन ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो सर जे जे थॉमसन तो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इन्होंने तो ये तो फिजिशिस्ट हैं। याद रखिएगा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एक मेन फील्ड है, फिजिक्स का एक ब्रांच केमिस्ट्री है। जैसे साइंस की ब्रांच फिजिक्स है ना, फिजिक्स की ब्रांच केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, केमिस्ट्री एक छोटी सी फील्ड है, फिजिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जो दुनिया में समाई हुई, ठीक है। तो केमिस्ट्री छोटी सी फील्ड के बारे में, एटम्स रिएक्शन इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं उसमें, इसलिए कहते हैं, इसलिए जिसको केमिस्ट्री आती है उसको फिजिक्स भी आ रही होती है, समझ रहे हो? तो इसलिए कहते हैं कि ये फिजिशिस्ट लिखा हुआ है, कि ब्रिटिश फिजिशिस्ट माहिर तबियात थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी फिजिक्स में मिला जब, और ये टीचर भी थे। सर जे थॉमसन एक दुनिया के अजीम टीचर थे जिनके 13 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोबेल प्राइज़ मतलब एक बार मिलता है साल भर में, साइंस में कोई अच्छा काम करते हैं, मैंने स्टोरी बताई थी उसकी डायनामाइट वाली, तो साल भर में एक बार मिलता है, और इनके 13 स्टूडेंट्स को जो है वो
नोबेल प्राइज से नवाजा गया सर जे जे थॉम्सन के, तो उसका मतलब बहुत ग्रेट टीचर थे देखा जाए तो। और सर जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, और इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तीनों पार्टिकल मतलब के उस्ताद शागिर्द और उनके शागिर्द ने किया, वह तीन नस्लों ने किया अलग अलग करके। पहले जो है वो जे जे थॉम्सन ने किया, फिर उनके पढ़ाए हुए बच्चे रदरफोर्ड उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया, फिर उनके पढ़ाए हुए बच्चे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। मतलब टीचर अगर ग्रेट हो तो स्टूडेंट भी उसका ग्रेट निकलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि नस्ल पूरी निकली ना देखा जाए तो। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को कैसे दरियाफ्त किया गया, कैसे उसका खोज लगाया गया, सर जे जे थॉम्सन ने उसको ऐसा किया, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश और इंग्लिश में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंग्लिश? क्या ये दोनों एक ही लोग होते हैं? जब जो ब्रिटिश होते हैं क्या वो इंग्लिश भी वही होता है? अलग होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी मैं बता देता हूँ ताकि ब्रिटिश और उसका मामला आपका सॉल्व हो जाए। देखो जो वर्ल्ड है ना, दुनिया दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, या तो ज़मीन है या तो पानी है। पानी है 75% और ज़मीन है 25%। ज़मीन के बड़े बड़े जो एरिया हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, बर आज़म। और पानी के जो बड़े बड़े एरिया हैं उनको हम लोग कहते हैं ओशियन। तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियन है, ये पढ़ा होगा बचपन से, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट जिसमें हम लोग रहते हैं वो तो एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया जिसको हम कहते हैं। और एक और कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे 7 हैं, इसमें से एक है यूरोप। यूरोप बहुत ज़्यादा कह लो कि मतलब कि आप बहुत अमीर एक जो है वो कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे मतलब जिसपे पैसा है वो मौजूद हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, स्पेन, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बहुत सारे कंट्री हैं, पुर्तगाल, ग्रीस, ये सारे कंट्रीज, बेल्जियम, ठीक है, टर्की के कुछ इलाके आ गए। तो ये सब पूरा का पूरा जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है, यूरोपियंस। यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं यूरोपियन। जैसे तुम लोग एशिया में रहते हो तो तुम लोग कहलाओगे एशियन, हम सब एशियंस हैं, वैसे वो यूरोपियंस होते हैं। अब यूरोप के अंदर एक जगह है, एक पूरा जजीरा है, उसको हम लोग कहते हैं, एक जजीरा है, जजीरा समझते हो ना, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ बहुत बड़ा जजीरा है, उसको हम कहते हैं द ब्रिटिश आइल्स। और इसी को कहा जाता है द ग्रेट ब्रिटेन। और इसी को कहा जाता है द यूनाइटेड किंगडम। ये सारे एक ही चीज़, एक ही जगह के नाम, एक ही जजीरे के नाम है। और इसी को कहा जाता है, शॉर्टकट में बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, द ब्रिटिश आइल्स, इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। उर्दू में इन सब को हम लोग बोलते हैं बर्तानिया, उर्दू में कहा जाता है। और उसमें जो लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश, बर्तानवी। तो ये सारे बर्तानिया है, सारे लाइन से सब बर्तानिया है। अब आप इसमें से कोई भी नाम, अब कुछ बच्चे कुछ सुनते हैं, कुछ बच्चे कुछ सुनते हैं, ये सब नाम एक ही है, ठीक है, बर्तानिया। अच्छा, ये एक मुल्क नहीं है, ये कंट्री नहीं है, याद रखो, ब्रिटिश या यूके या बर्तानिया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 कंट्रीज, 4 मुल्क से मिलकर ये बनता है, 4 कंट्री से मिलकर यूके बनता है। अब वो ये एक जजीरा है, एक है आइलैंड है, तब उसके अंदर 4 मौजूद है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा जो मुल्क उसके अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो कंट्री है वो है वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स में वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट टाइम क्रिकेट का, इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री उसके अंदर है स्कॉटलैंड, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री उसके अंदर है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है यूके। अब इंग्लैंड है, अच्छा इंग्लैंड का उर्दू में भी अलग नाम है, इंग्लैंड को उर्दू में कहते हैं इंग्लिस्तान, ठीक है। तो इंग्लैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड में रहने वाले लोग कहलाते हैं इंग्लिश, वेल्स में रहने वाले लोग कहलाते हैं वेल्श, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग कहलाते हैं स्कॉटिश, और आयरलैंड में रहने वाले लोग कहलाते हैं आयरिश, सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश को उर्दू में बोल देंगे अंग्रेज, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आए, इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड का एक मशहूर शहर है, सिटी है, जो उसके कैपिटल से लंदन सिटी, क्योंकि इंग्लैंड का ही शहर है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो इंग्लैंड को जो है वो मतलब ब्रिटिश का एक बड़ा पार्ट ये कहलाता है, ग्रेट यूके का, इसलिए लोग बोलते हैं यूके जा रहे हैं, तो नॉर्मली उनका मतलब होता है इंग्लैंड ही जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटियन, जो ब्रिटिश होगा ना बंदा, जो इंग्लिश होगा वो ब्रिटिश भी लाजमी होगा। बहुत समझ आ रही है? जो इंग्लिश होगा ना वो ब्रिटिश भी लाजमी होगा, चूंकि जो जो पाकिस्तानी होगा ना उसको एशियन होना ही होना है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं पाकिस्तानी तो हूँ लेकिन मैं एशियन नहीं हूँ, ऐसा बोलना नामुमकिन है, क्योंकि एशिया के अंदर ही पाकिस्तान है ना भाई। इस तरह से मैं सिंध में रहता हूँ तो मैं भाई एक तरह से सिंध में भी हूँ, मैं पाकिस्तान में भी हूँ, मैं एशिया में भी हूँ। बिल्कुल सेम जो इंग्लैंड में है तो वो यूके में भी है, क्योंकि यूके इसके अंदर आ रहा है ना चार कंट्री। जो इंग्लिश किसे कहते हैं, अंग्रेज, तो हर अंग्रेज बरतानवी भी है, हर इंग्लिश ब्रिटिश भी है, लेकिन हर ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, कुछ ब्रिटिश स्कॉटिश भी हो सकते हैं। मेरे पास समझ रहे हो? हर इंग्लिश तो ब्रिटिश है लेकिन हर ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, कुछ ब्रिटिश वेल्श भी हो सकते हैं, स्कॉटिश भी हो सकते हैं, आयरिश भी हो सकते हैं, और कुछ इंग्लिश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जॉन डाल्टन, मैंने बताया था जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट, वहाँ पर आप ब्रिटिश केमिस्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश ही हो, इंग्लिश जो होगा वो लाजे ब्रिटिश भी होगा। और यहाँ तक कि सर जे जे थॉमसन भी इंग्लिश है, इंग्लैंड के ही हैं, लेकिन यहाँ ब्रिटिश लिख दिया कन्फ्यूज करने के लिए बच्चों को, तो वरना तो इंग्लिश और ब्रिटिश एक, मतलब ब्रिटिश है ना, है इंग्लैंड के, तो इंग्लिश लिखना ज़्यादा बेहतर था ना। तो बच्चे समझते हैं ब्रिटिश अलग मुल्क है और इंग्लिश अलग मुल्क है, तो ऐसा नहीं है। तो ये समझ लो ज़रा, इसको बार बार मैं नहीं बताता, तो एक बार सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत किताबों में इंग्लिश में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में लिखा हुआ होता है ब्रिटिश और इंग्लिश इस तरह से, तो पता होना चाहिए इंग्लिश कौन है और ब्रिटिश कौन है। ठीक है, तो सर जे जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, बरतानवी माहिर तबीयात थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? बाय मीन्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? जैसे आपने पुराने ज़माने में देखो कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ठीक है, उसी लेकिन उस ट्यूबलाइट के अंदर पाउडर डाला होता है वाइट कलर का, सारा पाउडर हटा दो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो डिस्चार्ज ट्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, इसके आर पर आप देख पाते हो, यहाँ से आप पीछे देख सकते हो, आर पर आप इसे देख सकते हो सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब से। इसके अंदर दो मेटल प्लेट लगे होते हैं, लोहे के प्लेट लगे होते हैं, जैसे कि स्टील के स्केल लगा दिए दो आपने, जिससे करंट पास हो सके। और दोनों मेटल, इन मेटल प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। और इन मेटल प्लेट्स को हम तार की मदद से जोड़ देते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी से। हाई वोल्टेज बैटरी 1.5 वोल्ट के तोशिबा सेल से नहीं जोड़ देना है, इसको जोड़ना है 10,000 वोल्ट की बैटरी से। 10,000 वोल्ट तो नहीं आएगा ना तोशिबा में, तो 1.5 आता है उसमें, तो 10,000 वोल्ट की बैटरी से उसको हमें जोड़ना है, जिसको हम कहते हैं हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज करंट। तो ये इससे हमने जोड़ दिया उसको, और यहाँ पर हमने जो है वो लगा दिया दो इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स होते हैं, तो प्लस से प्लस जुड़ जाता है, माइनस से माइनस जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही हम लोग कहते हैं एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड। अब इसके अंदर गैस मौजूद है, हवा गैस मौजूद है ना, और लेट्स से कि अगर हम इसमें अभी यहाँ से तार तोड़ दें तो क्या करंट पास हो जाएगा? तार टूटा है, अब करंट पास हो जाएगा तार जुड़ने पे? अब करंट पास हो जाएगा नहीं, अभी भी करंट पास नहीं होगा। वजह क्या है? अंदर हवा है, एयर, हवा हुआ तो हवा से करंट पास होता है कि नहीं होता? हवा से करंट पास नहीं होता, हवा से करंट पास होता सबके सब मर जाते हैं बैठे बैठे यहीं पर, क्योंकि यहीं से हवा से करंट पास होता है और सब मर जाते हैं। हवा से कुछ सूरतों में करंट पास हो जाता है, कभी कभी हो भी जाता है हवा से करंट पास, मैं बता रहा हूँ कब, आपको हाँ जब बिजली कड़कती है तो। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा होता ना कि साइमा वन मॉल जो था उसमें बिजली कड़की थी तो दीवार पूरी गिर गई थी, तो कुछ बच्चे भी उसमें शहीद हो गए थे वहाँ, पता नहीं क्या उसमें, तो बच्चे को भी शहादत हुई थी जो बारिशें जो हो रही थी तेज़, टीवी में आया था। ठीक है, साइमा वन मॉल गुलसान जौहर पर है, उस पर तो वहाँ पर एक बच्चे खेल रहे थे तो बड़ा दीवार था, बाउंड्री वॉल थी, तो बाउंड्री वॉल बिजली गिरी थी वहाँ पर, तो पूरा बाउंड्री वॉल गिर गया था बच्चों पर। ठीक है, तो बहुत एक अफसोसनाक वाकया था। तो बिजली मतलब कभी कभार हवा पे ट्रैवल करते हुए आ भी जाती है ज़मीन पे। अभी लास्ट टाइम जो थंडर स्टॉर्म आया था, ठीक है ना, तो बहुत देखा है तुम लोगों ने कि मतलब कि बिजली कड़कती है। अब बिजली कड़कते हुए कैसे ज़मीन में आती है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, जबकि हवा तो बैड कंडक्टर है, दो कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो हवा से भी करंट पास होगा, पहला हाई वोल्टेज करंट और दूसरा लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कम हो और करंट ज़्यादा हो, जब बिजली कड़कती है तो बहुत हाई वोल्टेज का करंट होता है, मिलियंस ऑफ वोल्ट का करंट होता है बिजली कड़कने पे, इतना तेज़ होता है, तो इतनी आवाज़ करता है ज़ोर से, ऊपर चमकता कैसा है बिजली, तो वो मिलियंस ऑफ वोल्ट का करंट होता है। और जब तूफान आया होता है ना तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, तभी तो बारिश होती है। तो हवा का कम दबाव और तेज़ वोल्टेज क्या कर देता है, आखिरकार बिजली जो कड़कती है उसको ज़मीन तक लाने पर मजबूर कर देता है, जबकि नॉर्मली हवा से करंट पास नहीं होता है, वो जो बिजली हो जाती है। हम सेम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे बिजली कड़कती है।
यहाँ पे हम जो है वो क्या कर दे रहे हैं कि हाई वोल्टेज करंट ले ले रहे हैं, बहुत हाई, तभी हमने हाई वोल्टेज लिया। और दूसरा हमने यहाँ पर लगाया है वैक्यूम पंप, आपको दिख रहा होगा वैक्यूम पंप, आपने देखा वैक्यूम क्लीनर में होता है, खींच हवा खींचने के लिए होता है वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ से इसको हवा खींच लेगा ये, तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। और जब हाई लो प्रेशर करके, तो जब वैक्यूम पंप से क्या होगा, लो प्रेशर, प्रेशर कम हो जाएगा, हवा का दबाव कम कर देंगे और हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे, अब ये गैस कंडक्टर बन जाएगी और ये गैस हो जाएगी आयोनाइज। आयोनाइज से मुराद क्या होता है, गैस के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाहर आ जाएंगे, मतलब जैसे मतलब कोई भी गैस है ना इसके अंदर, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा होता है, जब हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा, गैस आयनाइज हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन अलग और प्रोटॉन अलग हो जाएगा, अलग अलग दिख रहा सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और क्या होगा, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे। रेस्पेक्टिव से मुराद याद रखो, अल्लाह ताला ने पॉजिटिव चीज़ों के अंदर अट्रैक्शन रखी है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है, ऐसे होता है ना, जैसे आपने देखा मैग्नेट में नॉर्थ साउथ को खींचता है, साउथ नॉर्थ को खींचता है, कभी नॉर्थ और नॉर्थ साथ में दूसरे को नहीं खींचेगा, रिपल करेगा, साउथ और साउथ कभी नहीं खींचेगा, रिपल करेगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि अब नेगेटिव है, ये क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, और पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ भाग जाता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी चीज़ है, इसको शुरू में जब इसने देखा गया, जब यहाँ से भागा तो इधर पे इससे पास होकर पीछे हमने क्या लगा दिया, एक फोटो सेंसिटिव केमिकल लगा दिया। फोटो सेंसिटिव केमिकल के जब इस पर जाकर कोई रेस टकराएंगे तो रोशन हो जाएगा, ग्लो कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही जाकर इस पर, जैसे एनर्जी सेवर वगैरह में देखे ना, वो पाउडर लगा होता था, एनर्जी सेवर के अंदर जलेबी बत्ती जो होती थी उसके अंदर पाउडर पाउडर होता था, वो पाउडर क्या करता था, फैलाता था, ग्लो करवाता था, अगर पाउडर निकाल दो उसके अंदर से तो बत्ती नहीं जलती है फिर उसके अंदर वो। तो क्या होता था, जैसे इस पर जाकर स्ट्राइक करा तो पीछे ग्लो हो गया। इसका मतलब जे जे थॉमसन ने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो प्लस की तरफ जा रहा ग्लो कर रहा है बैक साइड पे। तो उसको शुरू में तो कहा गया था कि डिस्चार्ज, उसको शुरू में कहा गया था कैथोड रेस, क्योंकि कैथोड से निकल रहे हैं सारे के सारे, तो कैथोड रेस का नाम दिया गया शुरू में, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाद में इसी कैथोड रेस को क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन, कि ये एटम में पाया गया कि पार्टिकल, इतने मुश्किल के बाद आखिरकार पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। बताना है सबको कैसे डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन को। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कहाँ से राज का, कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर सकता है, तो प्रोटॉन भी डिस्कवर होना चाहिए था, सही सवाल है। लेकिन याद रखिए कि एक प्रोटॉन बराबर होते हैं 1836 इलेक्ट्रॉन के, 1836, एक प्रोटॉन का वजन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हाथी और चूटी का रिलेशन है, चूटी अगर इलेक्ट्रॉन है तो हाथी है प्रोटॉन, साइज का फर्क समझ में आया। अब वो तो पास हो जा रहे इसके अंदर से, लेकिन प्रोटॉन साइज में ज़्यादा होते हैं, तो वो इसके अंदर से पास यहीं पर रुक गया, इसलिए पीछे ग्लो नहीं हुआ। तो जैसे थॉमसन को लगा कि शायद एक ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, बाद में एक साइंटिस्ट ने चला के दिखाया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, गोल्डस्टीन, उसने चला के दिखाया क्या, उसने इसके अंदर कर दिया सुराख, छेद कर दिया इसके अंदर, और जब छेद कर दिया तो क्या हुआ, इंदर पास हो गया तो पीछे भी ग्लो आ गया। लेकिन ये एक अलग साइंटिस्ट का काम था, इसमें नहीं लिखेंगे हम इसको, तो वो जो अलग साइंटिस्ट ने फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, क्योंकि प्रोटॉन साइज में ज़्यादा था तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, सुराख करना पड़ेगा आपको इस इलेक्ट्रोड के अंदर, तब उसके अंदर से निकलेगा। बस समझ में आ रही है सवाल तुम्हारा।